विकास हो, भारत का शहर विकास हो, ग्राम सभा का विकास हो, भारत का शहर विकास हो। नमस्कार, मैं हूं राकेश चौधरी, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। अभी मैं यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल ब्लॉक अंतर्गत गुरली रामगढ़वा में मौजूद हूं। यहां पे दो समस्याएं हैं भाई साहब। एक समस्या तो यह है कि ग्राम पंचायत गुरली रामगढ़वा में हुसैन के घर से पश्चिम सेठ जी के खेत तक मिट्टी व खड़ंजा कार्य हुआ है, लेकिन यह कार्य कब हुआ है? 15 साल पहले। यानी लोगों का कहना है कि 20 साल 15 साल पहले हुआ है, लेकिन वर्तमान प्रधान में कोई कार्य हुआ नहीं है, बल्कि इसको फर्जी तरीके से कागजों में दिखाया गया और भुगतान कराया गया है। दूसरा सवाल तो यह है कि लोगों का यह शिकायत है कि लोग ये कह रहे हैं कि मैंने आवास के नाम पे काफ़ी सारा प्रधान को पैसा दिया, और जब हम लोग गए पैसा निकालने के लिए तो वहाँ से पैसा जब हम लोग के हाथ में मिला, वहाँ पर तुरंत हम लोगों के हाथ से पैसा छोड़ लिए। बाकी लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ, क्या इन लोगों का शिकायत है। क्या नाम है आपका? दिनेश प्रजापति। किस ग्राम से? गुरली रामगढ़वा। विरोध यह है कि वो जो हुसैन के घर से और सेठ जी के घर तक मिट्टी का और खड़ंजा का कार्य हुआ है। हाँ। ये फर्जी का कार्य दिखा करके पैसा निकाला गया है। कार्य कभी नहीं हुआ है। पहले के जो पूर्व प्रधान थे वही काम करवाए हैं। वर्तमान प्रधान नहीं हुआ है? नहीं, वो नहीं करवाए। अच्छा। हाँ, कितना पुराना हो गया होगा ये सड़क? ये तो 10-15 साल से ऊपर का है। अच्छा, 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल से ऊपर हो गया। हाँ। और जो वर्तमान में प्रधान है वो नहीं काम कराए हैं? नहीं। और पैसा कहने का निकाल दिया? नहीं। हाँ, जो नया प्रधान हुए हैं अभी आज तक इस गांव में कोई भी कार्य नहीं किए हैं। इनने लोग है, पूछ लीजिए, कोई काम कराए हैं? ये नाली टूट गया, देख रहे हैं नाली टूटा है, ऐसे ऐसे सब जगह नाली टूटा है, यहाँ से वहाँ तक जाएंगे नाली टूटा ही है। हाँ। क्या नाम है चाचा आपके? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह, गांव रहे वाला हैं आप? गुरली। गुरली रामगढ़वा के। अच्छा, ये खड़ंजा कितना साल पुराना है? अरे कम से कम 20 साल तो हो ही गया होगा। वर्तमान में प्रधान कौन है? वर्तमान रामचंद्र है। रामचंद्र प्रधान जी हैं। अच्छा, ये तो रामचंद्र जो प्रधान है ये तो कह रहे हैं मैं काम कराया हूँ अपने कार्यकाल में। स्पष्टीकरण देंगे ना? स्पष्टीकरण देंगे ना? कहाँ से कराए हैं, कहाँ हुआ है? गाँव के लोग इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें नया काम जो है दिख रहा है आपको? अच्छा, ये बताइए कितना साल पुराना है? 15 साल पुराना है। हाँ, लगभग 15 साल होगा। अच्छा। हाँ। वर्तमान में जो प्रधान है कोई काम इस पर कराया नहीं है? गांव, पूरे गांव में कोई काम नहीं कराया है। हाँ, पूरे गांव की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि गांव में एक ही कुआं है। उस कुएं में जो है जब शादी विवाह होता है तो माटी कोड़ने सब लोग जाते हैं। मैंने कई मरतबे सिफारिश किया उससे, कम से कम अरे यार कुआं को तो सुंदरीकरण कर दो, हमारा नहीं है, सरकारी है। उनके गांव में जो है कुआं उनका सुंदरीकरण हुआ, अपने गांव का तो करा लिया, लाखों का खर्च करके। अब कितना खर्च किया, किसके पास फुर्सत है, समय है उसको जांच करने के लिए? वो कौन कौन ग्राम सभा देखते हैं? बस यही गुरली रामगढ़वा। अच्छा, गुरली अलग ग्राम सभा रामगढ़वा है, जिसमें जो है 4 टोला जो है मतलब गुरली में है और 2 रामगढ़वा में, 6 टोले का जो है ग्राम सभा है। आप किस टोले में है? हम इसी में है, 6 टोला, बड़ी गुरली। हाँ, बड़ी गुरली जिसे कहते हैं। अच्छा, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन ऐसे कर रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। और जो आवास वाला जो बात है, जो आवास लिखने खातिर के आदमी कह रहे हैं तो उससे 10,000 रुपये मांग रहा है। तो बताइए, हाँ तो हम आवास, हाँ आवास लिखने खातिर कहे थे तो कह रहा है 10,000 रुपये लाओ दो तब जाके हम आवास लिखेंगे। अच्छा। तो हम कहें कि पहले बताओ फिर भी आगे रहना है कि नहीं रहना है? तो कह रहा है जे कोई जानता है जे आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, मगर पैसा हमको चाहिए तभी हम आवास लिखेंगे। भाई साहब, अगर कोई प्रधान जी के पास जाता है, अगर वो पात्र है आवास के लिए, अगर आवास उसे चाहिए तो अगर वो जाता है अगर आवास लेने के लिए, तो भाई साहब प्रधान जी का कहना है 10,000 रुपया लेकर आइए तब मैं आवास लिखूंगा। चलिए इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपके? तारा। गुरली रामगढ़वा रहने वाला है? हाँ। से टोला के? हाँ। अच्छा, कितना पैसा दल बनी? 15,000। 15,000? हाँ। आवास मिल गए? मिला बैठो तो भला 15,000 ले लिया ना, तो कैसे थी हुई लिंटर कैसे हुई? अच्छा। हाँ। क्या कहे थे प्रधान जी, कैसे लिए पैसा? कैसे कहता नहीं कि कहानी की पैसा दो पहले, तो कहानी वाला 5,000 दिल तो कैसे दे दें और पैसा, तो कहता नहीं कि दो हमके 10,000 चाहिए। कहा कहना हाथ में पैसा ले गिन के 10,000 दो लेना जेब में, आप 5,000 हमके दे दिए ना। कब लिया पैसा? बोले इथिया पर ले लेना है, बैंक पर। बैंक पे? हाँ। छोड़ लिए गया पैसा आपके हाथ से? हाँ, कहा था ना कि दो पैसा था, हम कहानी की हाली तो पैसा हम दे दिया नहीं। हाँ। तुरंत गिन के अपन जेब में दो लेना, 5,000 हमके दे दिए ना। हाँ। जबरदस्ती ले लिया? हाँ। देना नहीं चाहती थी आप? नहीं। अच्छा,
तब भल कि हमारा सद्दाम के लगे कि चल कि वहाँ चले के आ तन पैसा दिवई हैं तो गांव घर के माने कहने कि ज्यादा नहीं जातू हमारा कटहरी। जो रोड है जो खड़ंजा दिखाया गया है जिसको पास कर दिया गया है पैसा का भुगतान किया गया है नरेगा के तहत से वो तो रोड बना है नहीं इस वर्तमान के प्रधान में। और उसके बाद की बात है जितने लोग यहाँ पे आवास लिए हैं सारे लोगों के आवास का ये लोग प्रधान जो है पैसा का डिमांड कर रहे हैं। पहले नंबर तो जब आवास लिखवाने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं उनके पास तो कहते हैं कि आवास के नाम पे पहले 10,000 रुपये दे दीजिए तब जाके मैं आवास आप लोग को दूंगा, दावा ये करते हैं। और दूसरी बात कहीं आवास दे भी देते हैं तो आवास जब देते हैं तो वहाँ पे सीधे बैंक पे जाते हैं और बैंक खाते से पैसा जो निकालता है वो खाता धारक उसके हाथ से 10,000 रुपये 15,000 रुपये वो प्रधान जी छोड़ लेते हैं। ये बड़ा सवाल है क्या कह रही है 20,000 तो हम असल ले बाना कैसे ले लिए आप के जन कैसे ले लिए हाँ ना हम ना गए लिए और बाबूज का नाश रहल ना तो कौन पैसा निकाला कैसे जबरदस्ती ले लिए क्या आ तो वही जगह गए ना बैंक पर तो ले लिए ना जब बैंक पे जाके ले लिए हाँ पैसा लिया लेके गए ना आ ले लिए ना वही जगह 20,000। अच्छा हाँ आवास मिल गया आपको? हाँ मिलल भाई आवास। अच्छा आवास सरकार दिया आपको वहाँ पे प्रधान जी ने 20,000 रुपये ले लिया? हाँ। अच्छा क्या नाम है दादी आपके? लचिया। अच्छी बताए खड़ंजवा कब बनल बा? अरे भइल 20 साल हो गए बन ले 20 साल हो गए। हाँ। वर्तमान जो प्रधान जी प्रधान बनवा वाले हाँ वह बनवा वाले बा। हाँ अच्छा हमन का नहीं आवास मिले है हमन का नहीं मनाई है जाए प्रधान जी ने निका आवास हमने के नहीं दहल है। हाँ क्या कहना प्रधान जी क्या कहना कहना जे था का नहीं दिया ही। हाँ काहे नहीं दिया ही यो नहीं लिखल है यो नहीं देता ना जमीन का ये था मासा बा। हाँ अच्छा जे प्रधान जी बा रामचंद्र बतावल जाता है। हाँ हाँ तो वो प्रधान जी तो खड़ंजवा कहतन हम बनवे बाटे। अरे कहिया सब लोग बना ही नहीं जाना जे कहिया बनवाले बने रोड एको कार नहीं खन कहले। हाँ गुरली में अपने अपने गांव सब चमन बना कहता पहला हम तुका घर देखा था नहीं आ पहले तुका हम देव है ना आ का कहले पकड़ो कहता हमके वोट दिए बाबू आ तोर घर हम देखा पहले हम तुका देव। अच्छा है ना आज तक मैंने कोनो सुनवाई नहीं करा ना तो गई आवास खातिर कह पैसा देव तब तक लिखबो करब हम वो तो हम लिखबे नहीं करब कहीं रहे के बाद कि नहीं रहे के बाद फिर आगे के सोच लो तो कहते के जाना रह कि नहीं रह बाकी हम पाए तो लिख पैसा पाए तब हाँ तब लिखबो करब आवास अपन बना लिए ले बना हाँ पब्लिक का छोड़ छोड़ अपन बना ले बना। हाँ क्या नाम है माता जी आपके? इंद्रावती। इंद्रावती आपके का आरोप बा का कहल चाहत नहीं? 10,000 हम दहले बानी 10,000 आवास में आपू दहले बानी? हाँ दहले बानी 5,000 दो जने के। अच्छा के दहले बानी आप? हाँ प्रधानक ना मंदिर आल बाटे 3,000 से साले सवा खाली ले बा। प्रधान जी को कितना पैसा दिए आप टोटल? 10,000। 10,000 रुपए आवास के नाम पे? हाँ आवास के नाम पर नहीं मिलल बा मिलल बा। हाँ मिलल बा आवास मिलल बा ते 10,000 रुपए मंगने ताप दा नहीं। हाँ ले ले बाना। अच्छा काग झूठ बोले जान जान ताले बन तो कहत नहीं भाई साहब। जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये जो रोड आप सबको दिखाई दे रहा है ईंटे का रोड है ये खड़ंजा किया गया है। जो ये खड़ंजा हुआ है ये लगभग 20 साल पहले हुआ है जो वर्तमान में प्रधान जी हैं वो बनवाए नहीं है लेकिन उनका कहना है कि मैं रोड को बनवा दिया हूँ। कहना नहीं है बल्कि कागजों में दिखा दिया गया है कि वो रोड को बनवाए हैं लेकिन जहाँ जहाँ इस ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं उन लोगों का कहना है कि ये रोड 20 साल पहले बना है। अब जरा सोचिए किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है और किस तरह से ग्राम सभा में लोगों को गुमराह करके लूटने का प्रयास किया जाता है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश चौधरी है आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज और ऐसे प्रधान के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।